हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी अब 99 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्शन वर्ब्स. एज यू नो दैट एक्शन वर्ब्स आर दोज विच रिप्रेजेंट्स आर एक्शन. सो एक्शन इज श्योरली अ पार्ट. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस सो मैनी एक्शंस वी डू डेली, बट स्टिल देर कैन बी सम एक्शंस दैट कैन बी मिसिंग बिकॉज आई हैव एडेड ऑल द एक्शंस प्रोबेबली विच आर यूज्ड by us in our daily life. So let's start with this video. The first pamphlet is to cry, rona, to play, khelna, to hug, kisi ko gale lagana, to bath, nahana, to climb, upar chadna, to feed, kisi ko khilana, to laugh, hasna, to listen, kisi ki baat sunna, to swing, jhule lena, to give, kisi ko dena, to drink, pani peena, ya kuch bhi cheez ko peena, टू ड्राइव किसी चीज़ को चलाना, टू ईट खाना, टू जम्प अगर हम कूदते हैं उसे जम्प कहते हैं, एंड टू एक्सरसाइज मीन्स टू डू अ नेसेसरी वर्कआउट, टू डांस मीन्स हमें खेलना, टू वॉच किसी चीज़ को देखना, इट कैन बी अ वीडियो, इट कैन बी टेलीविजन और अ लैपटॉप, टू विस्पर किसी के कान में धीरे धीरे से कोई बात कहना, टू कैरी किसी चीज़ को उठाना, टू थिंक किसी चीज़ को सोचना, टू पेंट कहीं पर भी पेंट करना है वेदर इट बी अ डोर और एनी थिंग, टू पोर किसी चीज़ को किसी चीज़ में डालना, फॉर एग्ज़ाम्पल पानी किसी चीज़ में डालना स्पेशली द लिक्विड्स, टू स्लीप एज यू नो सोना, एंड टू कैलकुलेट, टू वे किसी चीज़ को नाप तोलना, टू वियर अ हैट, टू रिंग द डोर बेल, टू फियर डरना, टू काउंट किसी भी चीज़ को काउंट करना, टू ब्रश इट कैन बी योर हेयर, इट कैन बी योर टीथ, इट कैन बी एनी कोट ऑल्सो वेयर यू यूज टू ब्रश, एंड टू एस्केप मीन्स किसी सिचुएशन से भाग जाना, किसी सिचुएशन से डर कर भाग जाना, टू एस्केप आउट वहीं से चले जाना. देन देर इज़ टू विंक आँख मारना, टू पुल किसी चीज़ को खींचना, टू लुक किसी को देखना, टू हैंड शेक किसी से हाथ मिलाना, इट कैन बी एनी ऑफ योर फ्रेंड, एनी ऑफ योर रिलेटिव और एनी बिजनेस पार्टनर, टू इच मीन्स की खुजली करना, टू सॉ मीन्स किसी चीज़ को कट करना, स्पेशली विद अ सॉ यू कट वुड फॉर मेकिंग द फर्नीचर और एनी पार्ट, टू किक किक मीन्स किसी चीज़ को लात मारना. Then to announce, announce means किसी भी चीज़ को घोषणा करना, किसी चीज़ को elaborate करके बताना, to whistle सीटी बजाना, to feel dizzy, dizzy means कि when you feel sleepy and headache, to scold means किसी को डांटना, to dig मतलब खोदना, to draw means किसी चीज़ को बनाना, to drop किसी चीज़ को गिरा देना, to fly means उड़ना, and to fall means again गिरना. So here drop means किसी चीज़ को गिरा देना, and to fall means खुद गिर जाना, so there is a difference. To read means किसी चीज़ को पढ़ना, to stand you know, to throw किसी चीज़ को गिराना, to walk चलना, to fight किसी से लड़ना, to catch किसी चीज़ को पकड़ लेना, to sign, to clean साफ करना, to cook बनाना, to cut काटना, it can be vegetable, any things, to do homework अपना काम करना, to repair something किसी चीज़ को ठीक करना, to fly a kite जो कि बच्चे अक्सर करते हैं, to pick flowers जो कि लोग करते हैं फ्लावर्स को पिक सो दैट वो टेम्पल में पूजा कर सके, टू ड्रॉ, टू डांस, टू गिव किसी को देना, टू ड्रिंक पीना, टू वॉच देखना, टू थिंक सोचना, टू क्लीन, टू प्ले, टू ड्राइव, टू लाफ, टू हीयर कुछ सुनना, टू फीड किसी को खिलाना, इट कैन बी अ मदर फीडिंग हर चाइल्ड और एनी वन हु कैन फीड अ बर्ड, अ डॉग, अ कैट, एनी पर्सन हु इज़ फीडिंग समवन, हु इज़ गिविंग समवन टू ईट इज़ कॉल्ड एज फीडिंग. Then you can also use these verbs in past tense also. Snore kharate lena, argue kisi se behas karna, sneeze cheekna, agree kisi ki baat maan lena, wave kisi ki taraf ishara karna, whether it of bye or of hello, race daur lagana, shave as you know, done by boys or gents. And then there is taste, to taste something means kisi ka swad lena, to charge, charge means when something get charged, for example mobile phones or laptop.
टू ड्रॉप एज वी हैव ऑलरेडी डन, टू पिक इट अप, किसी चीज़ को ऊपर उठा लेना, टू वर्क, कोई भी काम करना, इट कैन बी एनी वर्क डन बाय यू, टू कडल, कडल मीन्स कि आप सोने से पहले जो कडलिंग करते हैं, इधर उधर हिलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कडल, ड्रीम, सपने लेना, टू वेक अप, उठ जाना, टू राइड अ बाइक, बाइक को चलाना, फाइट, किसी से लड़ना, एंड टू स्विम, स्विम मीन्स कि तैरना. सो दीज आर स्पेशली, there are some more also like sink, डूब जाना, float, तैरना, take away, किसी से ले लेना, grow up, बड़े हो जाना, fall, गिर जाना, help, to किसी की help करना, किसी की सहायता करना, kick, किसी चीज़ को फेंक देना, especially with the toe, अगर हम उसे pull, push करते हैं, that is called as kick, knock, किसी का दरवाज़ा खटखटाना, ask, किसी से किसी चीज़ के बारे में पूछना. सो फ्रेंड्स, आई थिंक आई हैव डन ऑलमोस्ट ऑल एक्शन वर्ब्स जो कि हम डेली यूज़ करते हैं. यू मस्ट नो दीज बिफोर लर्निंग द टेंसेस. प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड ऑल्सो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू.